अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिलासपुर में सजा डांस, हिमाचल डांस का मंच, बच्चों और युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। 6000 फुट हाइट और हवा से बातें करने का रोमांच। लंबा रास्ता, विभाग को हमसे क्या वास्ता। इस सड़क पर गुजरना खतरे से खाली नहीं, कई लोग तुड़वा चुके हैं हड्डियां। और अब खबरें विस्तार से। सोलन, पांवटा साहिब और शिमला के बाद दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के सबसे लोकप्रिय इवेंट डांस हिमाचल डांस सीजन 9 का कारवां बुधवार को बिलासपुर पहुंचा, जहां बच्चों में डांस के प्रति खूब क्रेज देखने को मिला। डांस हिमाचल डांस का ताज जीतने के लिए बच्चों और युवाओं की खूब भीड़ उमड़ी। इस दौरान एक से बढ़कर एक डांसर्स ने हिंदी और पंजाबी गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। ऑडिशन में डांस हिमाचल डांस के दो बार विजेता रहे नितेश धीमान और प्रसिद्ध नृत्यांगना गुंजन दास निर्णायक मंडल में शामिल रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ऑडिशन के पहले प्रतिभागी को टैग लगाकर कार्यक्रम का आगाज किया। कुल्लू का ढालपुर मैदान पर्यटकों से गुलजार हो गया है। पेज से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का हुजूम धीरे धीरे उमड़ना शुरू हो गया है। तकरीबन 6000 फुट की हाइट से पर्यटक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। कुल्लू मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सचिव हुकुम सिंह का कहना है कि पैराग्लाइडिंग का दौरा शुरू हो गया है और पर्यटकों का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस साइट को सरकार ने हाल ही में इस तरह की गतिविधि के लिए मंजूरी दी है, जिसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ये जो पैराग्लाइडिंग साइट है, ये गवर्नमेंट साइट है, तो यहाँ पर जो है हमारी एक एसोसिएशन है, कुल्लू मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है हम 3 से 4 ऑपरेटर रजिस्ट्रेड हैं। तो अभी तो फिलहाल उतना ज़्यादा ऑपरेटर नहीं है, कम ऑपरेटर है, तो बाकी ऑपरेटर तो धीरे धीरे यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं और बाकी पर्यटक आ रहे हैं। जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं तो घूमने को बहुत ही अच्छा एंजॉय आया, मज़ा आया और सेफ्टी की दृष्टि से बिल्कुल सेफ है। और इसकी जो हाइट है वो 6000 फीट हाइट है। जाने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पे। हमारा जो टेक ऑफ है ये 20 से है और लैंडिंग नया युवा है। ये सर कब तक चलेगा एडवेंचर टूरी सर की? ये 15 जुलाई तक चलेगा। 15 जुलाई 15 जुलाई से 15 सितंबर ऑल एक्टिविटीज बंद रहती है हमारे। बाकी क्या संदेश देंगे सर पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए? टूरिस्ट के लिए तो ये है कि अब तो टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है रास्ती के बाद, तो जब ऐसे सुनने को आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ से ज़्यादा टूरिस्ट कुल्लू मनाली आएंगे और आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर काफ़ी रश पड़ने वाला है। थैंक सर जी। सर जैसे ही दशहरा उत्सव संपन्न हुआ है और इस तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हो गई है, किस तरह से ओवरऑल चलेगा, कब तक चलेगा जी? अभी इस तरह भी आपके मार्च अप्रैल तक चलेगा, उसके बाद हमारे थोड़ा यहाँ कंडीशन भी सही नहीं रहती। दिन को आपके 10 बजे से लेकर 1-1.5 बजे तक चलेगा उसके मार्च अप्रैल तक, और मार्च अप्रैल तक पूरे फुल डे सप्लाई चलेगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे सर जगह चिन्हित इस साइड के लिए? ये हमारे सोलन वैली है, डोबी है और आपके नंगा बाग है, तो एक घर सा है जी सर। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पर्यटकों का सर? सर अभी तो ज़्यादा क्राउड नहीं है, अभी तो फ्लाइंग भी कम होता है, तो इस करके अभी मतलब पीछे से भी टूरिस्ट बहुत कम है, तो नॉर्मल काम चला है सर। आपका नाम क्या सर? नारायण ठाकुर। किस संगठन संस्था की सर की आपकी है जी सर? आपका एसोसिएशन का कोई नाम भी सर? सर जी सर ये आपका घरसा वैली में जी सर। थैंक सर। सर जैसे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का दौर शुरू हो गया था, किस तरह से देख रहे हैं और क्या पूरा ओवरऑल है ये? तो अभी क्या बोलते हैं, अभी आए थे यहाँ से, अभी भी सैलानी आए थे, अभी भी किया, इनको भी बहुत अच्छा लगा। कितनी हाइट है और कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगता है? 9000 फीट है। कहाँ से कहाँ तक की रेंज है जी ये? तो मैक्सिमम टाइम लगेगा 5 से मतलब कि 9-10 मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से सर? स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ है फीज से। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है पर्यटकों का शुरुआती दौर में, कैसे देख रहे हैं?
देख रहे जो भी आ रहा है बोल रहा है जन्नत है। मेन सिटी कुल्लू है। किस तरह से रहता है मतलब इसमें ओवरऑल रेंज वगैरह रेट वगैरह कैसे रहते हैं पैकेज के? 3500 रहता है इसका। अच्छा जी, ये कब तक चलेगा सर सीजन? ये सीज़न तो अब बस 2 महीने बंद रहता है ना बरसात के टाइम, बाकी तो 10 महीने चलता है। अच्छा जी, तो ये ओवरऑल कितने लोग जुड़े हैं आपके इसके साथ, इस तरह की प्रोफेशन के साथ? प्रोफेशन अभी ये हमारे ऑनर हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, किस किस कंट्री से आ रहे हैं? तो ऑल इंडिया, मतलब कि ऑल इंडिया से। आपका नाम क्या जी? मेरा निशांत। ठीक जी। डाकघर नोहराधार में आधार कार्ड बनाने व अपडेट करवाने के लिए लोग सुबह ही कार्यालय के बाहर बैठ जाते हैं, मगर कभी कनेक्टिविटी की समस्या तो कभी कुछ और, इसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोहराधार में हरिपुर धार, संगड़ाह आदि क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता और उन्हें इतना खर्चा कर वापस घर जाना पड़ता है तो उनका आक्रोश बढ़ जाता है। विभाग का कहना है कि यहां पर स्टाफ की कमी के चलते पेंशन व केंद्र सरकार की योजनाओं संबंधी कार्य बहुत होते हैं, जिसके चलते हम मात्र 10 ही आधार कार्ड निपटा सकते हैं। दूसरी समस्या सर्वर की बहुत ज्यादा रहती है। कहाँ से आए आप? जी मैं सिंह से हूँ, सिंह गांडवा, और सिंह गांडवा यहाँ से 60 किलोमीटर है, और मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट करवाने आया हूँ और यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। उसमें कल का आया हूँ यहाँ पे, तो कुछ सुविधा की जाए संगड़ा के लिए तो अच्छा रहेगा। स्कूल में से गाड़ी करके आ रहे हैं, हम 5-5 दिन हो गए आके, हमारे को ध्यान नहीं मिल रहा कोई। कहाँ से आया? नाइचना से गाड़ी करके आना पड़ता हमारे को, नाइचना से। बच्चे के स्कूल के दिन भी जा रहे, पेपर लग रहे हुए बच्चे के, सारे काम छोड़ के घर से आ रहे हैं। यहाँ पे दिन हो गए जी हमारे को यहाँ आते हुए, और शिमला भेज दिए बच्चे मैंने 8 दिन के बाद, जो स्कूल से फोन आ रहे थे यहाँ आधार कार्ड बन नहीं रहे, ये मना करे कि 10 से ज्यादा नहीं बनेंगे, स्लो मशीन है, हमारे को कोई फैसिलिटी दे दो जो इससे ज्यादा बने, जहाँ एक ही दिन में पूरा हो जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। हमें ना जी आधार कार्ड की दिक्कत आ रही, हम 5-6 दिन हो गए नोहराधार आते, पर यहाँ पे 10 से ज्यादा अपडेट नहीं हो रहे आधार कार्ड, और हमारी रिक्वेस्ट यही है महिलाओं की कि मतलब आधार हमारे ग्राम पंचायत में मशीनें दें और हमारे आधार वहीं पे बने ग्राम पंचायत में। श्री नैना देवी जी विधानसभा चुनाव क्षेत्र और PWD सब डिवीजन स्वारघाट के अंतर्गत बहल किकरवाली सड़क जनता के लिए आफत बनी हुई है। सड़क पर बना सैफन जिस पर खड्ड का पानी बह रहा है, फिसलन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों और स्कूल जाने वाले नौनिहालों को हो रही है। कई लोग यहां गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। स्थानीय बाशिंदों ने पंचायत विभाग और सरकार से आग्रह किया है कि सड़क पर पुलिया बनाकर पानी की निकासी करवाई जाए, ताकि आने जाने वालों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सानू इन्नी दिक्कत है, बच्चे नो सी रोज लेंदे रोज आंदे रोज गिर देते, इस पानी का हल किया जाए, इसलिए सारी बेनती है भाई इन पानी नो किसी निकाल करे, दा साधन करे बच्चे का आने जाने का, सानू दिक्कत होंगी लैने की भी छड़ने की भी रोज। असं पंचायत वाले तो भी यही मंग करते हैं भाई इन्हों पानी का हल किया जाए, सानू साधन हो जाए बच्चे का लियाने का जाने का, चकोल भी नहीं बच्चे पुजते जा गिर जाते, दूसरी बार सानू फिर बच्चों के कपड़े बदल के लियाने पड़ते। आज दोपहर में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल TV के साथ।